अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दी फैमिली पेट्स। आज जी हम मौजूद हैं अपनी छत पे, आपको अपने बकरों का शौक करवाते हैं और कुछ उनकी डेली रूटीन के बारे में बताते हैं और ये भी बताते हैं कि जी क्या क्या दे रहे हैं और कैसे कैसे दे रहे हैं। तो आप दोस्तों के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेशन होगी इस वीडियो में, तो वीडियो पूरी देखिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करें। चलते हैं जी वीडियो की तरफ। ये जी माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे जानवर जी माशाल्लाह, ये देखें जी माशाल्लाह। आप कमेंट में ये ज़रूर बताइएगा कैसी प्रोग्रेस जा रही है इनकी माशाल्लाह। ये देखें जी माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखें जी माशाल्लाह। जी विकास भाई से भी बात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम विकास भाई, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र हसन भाई, आप सुनाए? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। तो विकास भाई फिर तैयारियां हो रही हैं फुल? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, बड़े शौक से और बड़े जोक से तैयारियां चल रही हैं। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। अच्छा तो विकास भाई ये कुछ दोस्तों को बताएं कि आजकल हम क्या रूटीन से बकरों को लेके चल रहे हैं और क्या क्या दे रहे हैं, और कुछ दोस्त इस तरह के हैं जो कहते हैं कि जी सर्दी में बकरे को ये वंडा वगैरह करते हैं पर कुछ असर नहीं होता, कुछ आगे बनता नहीं है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे हम? कुछ दोस्तों के ना बहुत ज़्यादा कमेंट्स आते हैं कि वंडा में हम क्या दें या किसका दें। बिल्कुल। तो मेरा मशवरा ये होता है कि वंडा आप अपना खुद बनाएं। ठीक है। उसमें दो तीन चीज़ें आ जाती हैं, एक तो आपकी कॉस्ट कम हो जाती है, एक आपको पता होता है आप क्या डाल रहे हैं। बिल्कुल। और मैं बताना चाहूँगा कि इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कोई। बिल्कुल। कि वंडा क्या है? कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है, वही जो मैं अपने तमाम दोस्तों को बताऊँगा इसमें क्या क्या डलता है, क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हैं और क्या क्या नहीं है। कोई इतना मुश्किल काम नहीं है ये। बिल्कुल। तो हमारे साथ जुड़े रहे, इंशाल्लाह आपको सारा बताते हैं। और आज हमने एक अपना स्पेशल मसाला भी बनाया जी, तो वो भी हम आपको बताएंगे कैसे बनता है, अगर हमसे लेना चाहिए हमारे पास भी अवेलेबल है वो, और बहुत इजी है, हम आपको सारी चीज़ें बताएंगे आप अपने घर पे खुद बना सकते हैं। उसका ये भी लाजमी बताएंगे कि वो किस मकसद के लिए। बिल्कुल ज़रूर बिल्कुल। अच्छा विकास भाई, कुछ दोस्तों के ना काफ़ी सवाल आए थे कि यार हमने जानवर लिए हैं और सर्दी आने की वजह से ना हमारे शेड में कंट्रोल नहीं हो पाया और काफ़ी दोस्तों के जानवर बीमार भी हुए हैं और नीचे से जनासा उनको ठंड भी चढ़ती रही है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? अच्छा सर्दी में लोग घबराते हैं। बिल्कुल। कि यार सर्दी में जानवर बेच दें या कैसे रखेंगे या हम परचेजिंग करेंगे सर्दी के बाद। बिल्कुल। इसमें मैं आपको बताता हूँ कोई मुश्किल काम नहीं है, हमारा एक सिंपल सा शेड है, आप शेड दिखाएं तमाम दोस्तों को। ये देखो जी माशाल्लाह ये शेड है जी। और विकास भाई इसकी क्या साइज है? ये होगा कोई 7x8 का। बिल्कुल। ये हमारा साइज है, आज मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ। चलिए ये हसन भाई, ये बहुत सस्ता आसान और पायदार हल है ये वाला। ठीक है। देखिए जी हमने पैलेट बनाए हुए हैं लकड़ी के। सही है। तो इनके ऊपर बकरा रहेगा। ठीक है। ठीक है, इसमें सर्दी उसका यूरिन या मिंगल वगैरह जो भी होगी नीचे जाएगी। ठीक होगा, बकरा आपका अल्टीमेटली खुश रहेगा, खुश भी रहेगा और खुश भी रहेगा। इसमें आपकी वेस्टेज जो होगी बकरे की वो नीचे आ जाएगी। देखिए हम क्या करते हैं, इसे सिंपल इसे उठाया। ठीक है। इसकी सफाई की, उसी तरह हमने दोबारा रख दिया। बिल्कुल। ठीक है, बहुत सिंपल काम है, कोई मुश्किल काम नहीं। बकरा आपका सर्दी है, देखिए हमने तरपाल लगाया, सिर्फ तरपाल डालते हैं, हमने कोई हीटर नहीं, कोई कोयले नहीं, कोई चीज नहीं। हाँ, अक्सर लोग कहते हैं जी कि हम आग जला के बैठे हैं पास। मैं कहता हूँ बेवकूफ़ी है, सिर्फ अपने को प्रोटेक्ट करें। असल में होता क्या है, हम मॉडर्न फार्मिंग की तरफ जा ही नहीं रहे हम। बिल्कुल। हम जी बकरे को उसी में उसके पेशाब के अंदर ही उसे खड़ा किया हुआ है, उसे सर्दी नहीं लगेगी और क्या लगेगा उसे। बिल्कुल, ये तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। और ये इसकी कॉस्ट भी कुछ दोस्तों को बताएंगे, अगर ये कोई इतना कोई खास कॉस्टली नहीं है ये काम? कुछ भी नहीं है, कुछ महंगा नहीं है, ये बहुत सस्ती चीजें हैं। 1500-1600 का आपका एक पैलेट तैयार हो जाता है जी। तकरीबन मतलब ये हमारा पूरा फ्लोर जो है ये तकरीबन 6000 रुपये में ये तैयार हुआ है जी, ये सारा फ्लोर। और ये इस टाइम 6x6 का फ्लोर है ये टोटल अंदर से। ठीक हो गया जी। इसीलिए ना अपने अपने शौक को कायम रखने के लिए थोड़ी सी हमें कॉस्ट लगानी पड़ती है, और अपने शौक का वकार भी मेरे हिसाब से आसान बनाना चाहिए, अपने ऊपर नहीं करना चाहिए। बकरा खुश है तो आप खुश हैं। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल ठीक है, ख्याल आपने ही रखना है, किसी और ने नहीं रखना। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल ठीक है जी। हमने जो मसाला बनाया है हम अपने बकरों को खिलाने जा रहे हैं। माशाल्लाह जी, थोड़े से अच्छा जी माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये देख लें जी माशाल्लाह, खुद ही बकरे खा रहे हैं जी माशाल्लाह माशाल्लाह। चलो विकास भाई, हम दोस्तों को बताएंगे ये किस चीज़ के लिए है? अच्छा ये मैं बताता चलूँ, एक तो हाजमे दाग बहुत ज़्यादा है जी। विकास भाई किस चीज़ के लिए बता रहे थे? अच्छा इसके ना दो तीन फायदे हैं, हम लोग अक्सर शिकायत कर रहे होते हैं कि हम लोग खुराक बहुत अच्छी डाल रहे हैं बकरे को जी, लेकिन बकरा फल फूल नहीं रहा। बिल्कुल। असल में हम उसे हाजमेदार कोई चीज़ नहीं खिला रहे जिससे उसे खुराक उसे लगे उसे। बिल्कुल। तो ये क्या करेगा, आपके हाजमेदार है
ठीक है, खुराक पूरी तौर पर हजम करेगा और भूख को बढ़ाएगा, ठीक है, भूख बढ़ेगी तो उसकी खुराक भी उसके लिए बेहतरी करेगी, बिल्कुल। और इसके साथ आप कुछ और भी कह रहे थे, हम दे रहे हैं, हम सरसों का तेल भी दे रहे हैं और ये हम रेगुलर दे रहे हैं। और मैं आपको बताता चलूँ कि अब अपने जानवरों को डेली सर्दी हो गर्मी हो 10 ml उन्हें देना शुरू करें रात को, ठीक है। उससे क्या होता है कि एक तो बकरे में शाइन बहुत ज्यादा आएगी, ठीक है, और दूसरा बकरा खुलता बहुत है, बकरा बहुत ज्यादा खुलेगा उससे, ठीक है। और ये रात को दें तो ज्यादा बेहतर है, रात को दें ज्यादा बेहतर है, ये सर्दी हो या गर्मी हो रात को दें तो ये ज्यादा बेहतर है जी। और मैं फिर कहता हूँ अपने हर वीडियो में कहता हूँ अपने बकरों को डिवॉर्म जरूर करें उन्हें, ठीक। और ये डिवॉर्मिंग का भी काफी तरीका बता दें, आपने क्या करना है, मेडिसिन काफी मिल जाती है, ठीक है, लेकिन मैं फिर भी एक नाम लेता हूँ निलवर में एक मेडिसिन, उसको आपने फर्ज करें आज के दिन दिया आपने, ठीक है, 8 दिन बाद आपने दोबारा देनी है वो, ठीक है, फिर इसके दुरानियों को आपने 15 दिन पे कर देना है, ठीक है, पहले आज दी है उसके बाद 8 दिन बाद फिर 15 दिन बाद फिर उसे देनी है आपने 1 माह के बाद, ठीक है, फिर उसे ले देना 3 माह के बाद, ठीक है। और ये लाजमी प्रोसेस लाजमी करना है, उसमें पेट में कीड़े ऑटोमेटिक पड़ जाते हैं, कुदरती अमल है ये, तो आपने उसकी वार्मिंग लाजमी, और ये हर 3 माह बाद दोबारा ये स्टेज पहले से शुरू करना है, ऐसे ही करना है, ठीक हो गए। अच्छा काजमी, इस मिसाले में है क्या क्या? अच्छा इसमें 4 चीज़ें हैं सिर्फ इसमें, ठीक है। इसमें सबसे पहले आपने हम वजन ले लेनी है, फर्स्ट एक पाव लिए अजवाइन, ठीक है, एक पाव सौंफ, ठीक है, एक पाव काला नमक, ठीक है, और एक जड़ी बूटी आती है चरित्रा, चरित्रा, ठीक है। मुश्किल से नाम है, जब मेरे से भी गलत लिए थे, ये लेना है आपने इंडियन, ठीक है, पाकिस्तानी नहीं लेना, चरित्रा इंडियन लेना है आपने, ठीक है, और जो अजवाइन है वो भी देसी लेनी है आपको, 2 रुपए महंगी तो मिलेगी लेकिन वो बहुत अच्छी चीज है, ठीक है, आजमेदार है ये वाला मसाला सारा, सही। दोबारा मैं बता रहा हूँ, हम वजन लेना है काला नमक, ठीक है, अजवाइन, ठीक है, सौंफ और चरित्रा बूटी। और अगर ये कोई भाई अगर नहीं ले सकता तो हमारे पास बना हुआ ऑलरेडी पड़ा हुआ भी है तो वो हमसे तो हसन भाई से रब्ता कर सकते हैं, बिल्कुल, वो आप रब्ता कर सकते हैं जी, डिस्क्रिप्शन में नंबर भी है जी, तो अगर तो आपको चाहिए हो तो हम आपको बना के भी दे देंगे और जो कॉस्ट पड़ रही है वही कॉस्ट पे देंगे इंशाल्लाह ताला। और ये देखें जी माशाल्लाह बकरे खुद ही खा रहे हैं जी माशाल्लाह। पर इससे ये है कि जो बंदा तैयारी लगा रहा है बकरों की उसके लिए ये बहुत फ़ायदा है, बहुत ज़्यादा फायदा उसमें। अच्छा जी, ये थी जी आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और कोई भी आपके बकरों से मुतल्लिक कोई भी सवाल हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करें, मिलेंगे जी फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए फ़ी मान लें।